लेट्सार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सेवन इट सेज अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेड एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर्टी फाइव सेंटीमीटर फ्राम इट ऑन अ स्क्रीन प्लेड एट अ डिस्टेंस नाइन्टी सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ इट तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है वी भी दिया हुआ है लेकिन यू हमारा क्या होगा नेगेटिव में होगा बिकॉज इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट विच इज़ माइनस फोर्टी फाइव सेंटीमीटर और दूसरी तरफ हमारे पास नाइन्टी सेंटीमीटर पे क्या रखा हुआ है स्क्रीन है जिस पे हमारा इमेज बनेगी तो इट इज पॉजिटिव इन नेचर क्योंकि लेफ्ट साइड पे है अब आप देखो ध्यान से तो फोकल लेंथ हमें निकालना है विच विल बी वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू इज इक्वल टू वन ओवर एफ तो वी और यू की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई वी एस नाइन्टी यू एस माइनस फोर्टी फाइव एंड यू विल गेट द फोकल लेंथ तो 45 और 90 का एलसीएम क्या हो जाएगा 90 फर्स्ट टर्म एज़ इट इज़ रहेगी सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट माइनस टू इक्वल्स वन बाई एफ़ तो आपके पास क्या आ गया फाइनल सॉरी इट विल बी प्लस यहाँ पे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो थ्री ओवर नाइन्टी थ्री ओवर नाइन्टी को कैसे लिख सकते हैं वन ओवर थर्टी तो वन ओवर थर्टी इज़ इक्वल टू वन ओवर एफ़ एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी थर्टी सेंटीमीटर सेकेंड में हमें क्या निकालना है मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकाली जाती है वी ओवर यू और वी क्या है हमारा यहाँ पे नाइन्टी यू क्या है हमारा यहाँ पे माइनस फोर्टी फाइव तो आपकी मैग्नीफिकेशन कितनी आ जाएगी माइनस टू सो येस दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर एट